पश्चिम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, बीजेपी के मंत्री व विधायकों ने 51 किलो की माला पहनाकर किया भव्य स्वागत। भाजपा की जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। बीजेपी के जन विश्वास यात्रा बलिया से निकलकर गोरक्षक प्रांत की सभी विधानसभा में जाएगी। बीजेपी के जन विश्वास यात्रा को सफल बनाने के लिए हजारों की संख्या में बीजेपी नेता व कार्यकर्ता रहे मौजूद। मोदी और योगी के द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे बीजेपी के नेता व कार्यकर्ता। जनता महंगाई का नाम ले रही है तो कैसे इसको बीजेपी झेलेगी और 2022 के चुनाव में फतेह करेगी? जो कुछ है जनता के कल्याण और विकास के लिए जनता वो जानती है और जनता का अटूट और अटल विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ। आप इतनी भीड़ देख के क्या कहना चाहेंगे बलिया के बारे में? इतनी भारी संख्या देख के क्या कहना चाहेंगे बलिया के बारे में? बलिया तो बलिदानियों की बलिया है और यहाँ से जन समर्थन की हवा चलती है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर के रूप में दिखाई दे रही है और रिकॉर्ड तोड़ सफलता भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में प्राप्त करेगी। जी, एक शफीकुर रहमान के बराबर एक विवादित बयान आता है और इस बार भी उन्होंने एक विवादित बयान दिया है कि जो राम मंदिर जो बनाया जा रहा है वो जबरदस्ती बनाया जा रहा है। ऐसे महत्वपूर्ण बयानों पर मुझे टिप्पणी नहीं करना।